फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, BMW गाड़ी खरीदे जा रहे हैं। राज्य की जनता इसको गंभीरता से ले रही है, पब्लिक मनी का लूट है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। खाली खजाने पर श्वेत पत्र जारी करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने की खुशी में अपने लाडले मंत्रियों को जहां स्मार्ट सिटी में 5 सितारा बंगला देने जा रही है, तो वहीं अब इनके मंत्री चमचमाती नई फॉर्च्यूनर कार की सवारी करेंगे। जी हां, हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों को नई चमचमाती फॉर्च्यूनर कार अपने 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने की खुशी में तोहफे में देने जा रहे हैं। वहीं कोरोना काल और खाली खजाने का रोना रोने वाले हेमंत सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये आवश्यक था क्योंकि पुरानी गाड़ियां खराब हो गई थी और कभी भी कहीं भी रुक जाती थी। वहीं विपक्ष में शामिल BJP हेमंत सरकार पर सवाल दागना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, इस साल को नियुक्तियों का साल घोषित करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने युवाओं के लिए तो नियुक्तियां नहीं निकाल पाए, लेकिन अपने मंत्रियों को तोहफा जरूर दे दिया। बहरहाल इस वक्त झारखंड की सियासत पहियों से भी ज्यादा तेज दौड़ रही है। 4 पहिए वाहन को लेकर सियासत काफी तेज हो चुका है और देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट में झारखंड और बिहार को आर्थिक पैमाने पर सबसे लाचार राज्य करार दिया गया है। उसी लाचार झारखंड की बेकार जनता के पैसों से सरकार अपने मंत्रियों को महंगी और चमचमाती कार में घुमाएंगे, क्योंकि झारखंड सरकार ने अपने मंत्रियों को नई गाड़ियां देने का फैसला किया है। फैसला सभी मंत्रियों को टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर कार देने का लिया गया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग 11 मंत्रियों को फॉर्च्यूनर देगा, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी मंत्रियों को दिसंबर में नई फॉर्च्यूनर कार मिल जाएगी। मंत्रियों के अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए भी नई गाड़ियां खरीदी जाएगी। वहीं राज्य सरकार के पास कबाड़ गाड़ियों की भी कमी नहीं है। नेपाल हाउस व प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में एम्बेसडर, टाटा सफारी, इंडिवर, मार्शल या बुलेरो जैसी गाड़ियां बेकार पड़ी हुई है। इन वाहनों में कई ऐसे भी हैं जिनकी खरीदी वर्ष 2005 से 14 के बीच में हुई थी। कभी राज्य के मंत्रियों की शान रही पुरानी इंडिवर गाड़ियां भी सड़ रही है। इनमें से कई गाड़ियों को मरम्मत के बाद इस्तेमाल किया जा सकता था। पूर्व की रघुवर सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए आकस्मिक निधि से नई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने काफिले के लिए 7 गाड़ियां ली थी, लेकिन अब 5 साल के बाद हेमंत सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि गाड़ियां पुरानी हो गई है, लिहाजा मंत्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नई गाड़ी लेनी चाहिए। और सरकार ने नई गाड़ी की खरीदी को लेकर फैसला भी कर लिया है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं कि गाड़ी कब ब्रेक डाउन हो जाए पता नहीं, लिहाजा नई की जरूरत है। क्या विपक्ष यह चाहती है कि झारखंड के मंत्री पैदल या साइकिल से चले? तो वहीं वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने प्रमुख विपक्षी पार्टी BJP के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह सरकार से पूछा कि श्वेत पत्र जारी करने वाली सरकार जनता को यह बताए कि गाड़ी खरीदने के लिए खजाने में पैसे कहां से आ गए। अब आम लोग अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी से भी लंबी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, तो माननीयों के लिए महज 5 साल पुरानी गाड़ी कबाड़ कैसे हो जाती है? वह इस मौके पर सीपी सिंह ने कहा, मुझे तो बस यही याद आ रहा है कि मंत्री जी नई गाड़ी नया बंगला बढ़िया है। उसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, BMW गाड़ी खरीदे जा रहे हैं। राज्य की जनता इसको गंभीरता से ले रही है, पब्लिक मनी का लूट है ये। विकास के काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राज्य में पैसे नहीं, और दूसरे तरफ मंत्रियों के लिए आलीशान घर और आलीशान विशाल गाड़ियां खरीदने का जो आपका निर्णय है,
झारखंड की जनता वो आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सर कहना है विपक्ष लोग पैदल चलते थे का। जो भी तो सरकार में रहा 5 साल, यदि पैदल चलता था तो हम लोग भी पैदल चलेंगे। वो काम का चीज है। देखिए गाड़ी कोनो मंत्री का नहीं हो जाएगा, वो सरकार का संपत्ति रहेगा। मान लीजिए गाड़ी का एक समय सीमा होता है कि महामहिम का टायर कितना दिन में बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का कितना दिन में टायर बदलना चाहिए, कितना दिन में सर्विसिंग करना चाहिए, प्रोटोकॉल के अनुसार ये काम होता है। और उन लोग को जो दिक्कत है, वो लोग कैसे, वो लोग भी तो गाड़ी खरीदा था, तो कहाँ वो गाड़ी हम लोग चढ़ रहे हैं गाड़ी। विपक्ष का कहना है कि अभी भी कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि जिसे चलाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन सब चीजों मैंने चलाया जा पहले पहले का जो अच्छी खासी रखी हुई, पहले जो सरकार था तो उसमें वो गाड़ी कहन चलाए। गाड़ी का एक लाइफ होता है ना, किलोमीटर प्रति होता है, कितना दिन में उसको बदला जा सकता है। तो विपक्ष का कुछ काम नहीं है तो गाड़ी में विरोध करो, कुछ काम नहीं है तो झूठो हल्ला करो।